अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के करम से। मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और ये ना उम्र के सेकेंड डे का व्लॉग है, जब हम उम्र करके आए थे और फिर हम सो गए थे। रात इतनी ज़्यादा काफ़ी हो चुकी थी, जिसमें मैंने आपको उसमें डिटेल कुछ भी नहीं दी थी और ना कुछ बताया था, क्योंकि उस टाइम मेरा दिल इतना उदास था। बस सैलाब वालों का ही बार बार ख्याल आ रहा था, जहाँ पर सैलाब आया था। बहरहाल तो बस जस्ट उठे थे, और उठते ही बस मैंने ना सॉफ्ट सा आटा गून लिया था। मैदा और घी और दूध से ही गूनती हूँ अगर मुझे ये वाले रोगनी पराठे बनाने होते हैं तो। तो बहरहाल उसके बाद मैंने दो तीन पराठे बनाए थे और अंडा फ्राई कर लिया था। दो तीन तो नहीं बनाए थे, दो ही बनाए थे। और उसके बाद मैंने अंडा फ्राई कर लिया था, और मुझे ना हारिस को भी भेजना था नीचे, तो जिसकी वजह से फिर मैंने एक एक्स्ट्रा ही बना लिया था। बहरहाल और ये वाले पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ, सॉफ्ट बहुत होते हैं क्योंकि ये टूटते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे बनाती हूँ, क्योंकि ये फुल ऑयल में और दूध में इसका आटा गूंदा जाता है। और बहरहाल के उम्रा करके आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझसे किसी ने पूछा था कि आप आयजा के बाल कट करती हो, तो जाहिर सी बात है उम्रा जब तक के लिए आपका जब कंप्लीट हो जाता है, आपको लाजिम है कि आपको अपने बाल कट करने पड़ते हैं, औरत हो या चाहे वो मर्द हो, तो बस इसलिए कट करने पड़ते हैं। हम कैंची हमारे घर से ही ले जाते हैं और हम कट कर लेते हैं, वहीं पर ही कट करने पड़ते हैं। मक्का की हदूद में जद्दा आके हम पे दम हो जाता है, आई थिंक ऐसा हो बोलते हैं सब, और होता ही ये दम अगर हम मक्का की हदूद में बाल ना काटें तो। बहरहाल यहाँ पर मैं आयजा को भी नाश्ता करवा रही थी, और आयजा का नाश्ता इस जूस के बगैर बिल्कुल नहीं होता है। आयजा नाश्ता जब भी करती है उसको उसके साथ रूह अफ़ज़ा ज़रूर चाहिए होता है। और बहरहाल हमने रात में ना बिरयानी मंगवाई थी, ऑर्डर की थी, तो पड़ी हुई थी थोड़ी सी, मैंने वो भी गर्म कर ली थी। मैंने चलो वेस्ट होने से बेहतर है कि गर्म कर लेती हूँ, जितनी ही खाएँगे खा लेंगे और थोड़ी बहुत मैं खा लूँगी। और क्योंकि हम लोग उम्र पे जब ही जाते हैं, जब ये छुट्टी पे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं हम जुमरात की रात को जाते हैं, ताकि हम जुम्मे को आराम से आके रिलैक्स करके आराम से उठ जाएँ। और बस नाश्ता वगैरह हमारा यहाँ पर हो चुका था, उसके बाद मैंने घर को भी क्लीन कर लिया था। और मैं क्लीनिंग करके ना सारी लाइटें बंद कर देती हूँ रूम स्प्रे करके, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि बस ये वाला रूम बंद कर देते हैं हम बेडरूम, और हम ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं। और यहाँ पर आज मैंने डीप क्लीनिंग की थी, मैंने ड्रेसिंग ना पूरा बिखरा हुआ था, तो मैंने चलो आज ये क्लीनिंग कर लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ दिखाती हूँ कि मैंने आज फर्स्ट वाले पे मैंने अपना मेकअप सारा रखा, वरना मैंने सेकंड पे रखा हुआ था। फर्स्ट पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि आयजा माशाल्लाह से बड़ी हो गई है ना, तो आयजा हाथ मार के चीज़ें निकालती है, तो इस वजह से मैंने ऊपर कर दिया था। और बीच वाले पोर्शन में क्रीम वगैरह रख दी थी, और सबसे लास्ट वाले में सारे परफ्यूम वगैरह रख दिए थे। परफ्यूम तो हमारे घर में इतने हैं ना कि मुझे जगह ही नहीं मिलती, मैं कहाँ कहाँ रखूँ। और इस डिवाइडर में मैंने फुल परफ्यूम ही भरे हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को परफ्यूम बॉडी स्प्रे इतने ज़्यादा कोई पसंद है, बहुत ज़्यादा ऊपर वाले पोर्शन में परफ्यूम ही परफ्यूम है। और यहाँ पर आयजा ने ये सारे टेडी बियर इतने जमा कर लिए ना कि मेरे को रखने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मुझे कहने लगी मम्मा इस पर लगाओ, तो मैंने सारे उस पर लगा दिए थे टेडी बियर्स, इसके जितने भी भालू थे। और अब मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको कि स्टेशन पे हम लोग कैसे गए थे और किस तरह गए थे। अगर कि आप मतलब जद्दा में ही रहते हैं, करीब रहते हैं, तो आप लोग ट्रेन में जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब 32 रियाल वन पर्सन की इसमें टिकट है, 32 रियाल सिर्फ जाने जाने की। और हमें इसलिए थोड़ा सा इजी पड़ गया था क्योंकि स्टेशन हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, तो हम लोगों ने इसलिए ट्रेन ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसने सिर्फ हमें 15 मिनट में मक्का पहुंचा दिया था, और हमें बिल्कुल नहीं पता चला था, वरना हमें 1-1.25 घंटा लग जाता है। बहरहाल ऐसा हुआ था कि हम 15 मिनट में ही पहुँच गए थे। अच्छा था, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। और ये कि यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत भी दी हुई है इन्होंने, और बस यहाँ पर सारे कुछ भी नहीं, आप जाके बैठ जाते हो, वो बिठा देते हैं कि ट्रेन का फिक्स टाइम जब होता है तो आपको बोलते हैं नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद ये लोग खड़ा कर देते हैं जब तक कि ट्रेन नहीं आती। बस ट्रेन आगे से आएगी, मदीना से होती हुई आती है आई थिंक, और मदीना के बंदे बैठे हुए थे, जिसको यहाँ उतरना था वो उतर चुका था, और जिसको हरम जाना था वो बैठा हुआ ही था। और अंदर से कुछ इस तरह की थी, और सीटें भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और सुकून से जा सकते हैं। और अंदर सब कुछ मतलब बूफिया वगैरह हर चीज़ है, जूस भी मिलेगा आपको, आप परचेस कर सकते हो जूस, समोली, शोरमा, सैंडविच,
और चिप्स वगैरह। तो हम तो घर से खाना खा के ऑलरेडी आए थे, तो हम लोगों ने तो कुछ नहीं लिया था, बस हस्बैंड के सर में दर्द हो रहा था तो हस्बैंड ने कॉफ़ी ले ली थी और आयजा को जूस और चिप्स ले दी थी। तो बस यहाँ पर बैठ के आयजा इंजॉय कर रही थी। बहरहाल बहुत अच्छा था ये सफ़र। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब नीचे उतरे थे तो हम बसें ऑलरेडी खड़ी हुई थी, हम बस नीचे उतरते थे, उतरते ही हम लोगों ने बस बस में बैठे और मक्का के बिल्कुल हरम के बिल्कुल गेट के पास हमें उतार के आई थी बस। तो हमें ये इजी लगा, कंफर्टेबल लगा। तो हस्बैंड यही बोलते हैं कि अब हमें जाना होगा ना, हम ट्रेन ही करवा लेंगे बुक ऑनलाइन, क्योंकि हमारे लिए इजी है और दो जनों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इतना तो कर सकते। क्योंकि टैक्सी से जाते हैं तो ऑलरेडी 100 रियाल लग ही जाते हैं आने जाने में, तो इससे बेहतर है फिर यही ले लो, कम से कम सुकून दे और 15 मिनट में आपको मतलब हरम से मक्का, मक्का से जद्दा पहुंचा देते। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात। और यहाँ पर बस मैंने फिर रात में भिंडी गोश्त बना आई लिया होप था। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें ताकि मैं भी मोनिटाइज कर दूँ अपना बटन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।